क्या आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखना चाहते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधा बब्बर, द पावरफुल सोल, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्रेफोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। वो चमत्कार जो आपने सुने होंगे पर देखे नहीं होंगे। फील करिए अपनी लाइफ में वो चेंजेस जो धीरे धीरे मैं आपके बीच में लेके आ रही हूँ रेमेडीज के थ्रू। तो सबसे पहले बात करूँगी 5 एलिमेंट्स की। वो तत्व, 5 तत्व आपने हमेशा सुना भी होगा। एक आम मानुष जन्म जब होता है तो इंसान का जीवन बनता है 5 एलिमेंट से। याद करने के लिए अगर सिंपली बोलूँ तो भगवान को रिलेट कर लीजिए। भ से भूमि रिप्रेजेंट्स अर्थ, ग से गगन रिप्रेजेंट स्पेस, व से वायु जो एयर को रिप्रेजेंट करती है, आ से अग्नि कहीं फायर को रिप्रेजेंट करती है एंड नीर इज पानी। ये 5 तत्व हमारी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंटली काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होने की वजह से जो हमारे घर में और हमारी बॉडी में भूचाल ला सकती है। इसी वजह से होती है फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम और बहुत सारी चीज़ें जो अस्त व्यस्त फील होती हैं लाइफ में। तो फ्रेंड्स, चमत्कार कहाँ से होंगे? क्योंकि हमारी लाइफ में जो ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं इम्बैलेंस की वजह से, इसको हम अब बैलेंस करेंगे, सिंपल चीज़ों से जोड़ेंगे अपनी लाइफ को और देखें कैसे लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहले भूमि, जो अर्थ की मैंने बात की, अपने घर में प्लांट्स लगाना शुरू कीजिए, स्पेशली एंट्रेंस पे, घर के कोनों में, क्योंकि कोनों में नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है। घर में अगर आपके हैं कांटेदार प्लांट्स, उसको हटाइए जो कहीं ना कहीं कटाक्ष ला रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। और इसके साथ साथ अगर तो 5 फुट के प्लांट्स हैं तो आप लगाइए साउथ में, और अगर उससे छोटे प्लांट्स हैं तो लगाइए नॉर्थ में। बात करती हूँ नंबर 2, गगन स्पेस की। स्पेस क्या है? कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी बहुत ज़रूरी है। इसको आप जोड़िए कहीं फ्रेगनेंस से, अपने घर में इत्र का यूज़ कीजिए, डिफ्यूज़र्स का यूज़ कीजिए, गुलाब का यूज़ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे हों, घर में खुशहाली हो, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगनेंसेस को अपने घर में लगाना शुरू कीजिए और कुछ सूदिंग म्यूज़िक उसको इन्हांस कीजिए ताकि आपके घर में पॉजिटिव ऑरा आना शुरू हो। इसके बाद बात करूँगी वायु की। वायु इज़ एयर। एयर क्या है? जो हमारे आसपास हवा चल रही है। बहुत ज़्यादा जब घर के अंदर हवा का रुख नहीं होता, या यूँ कह लो कि सफोकेशन होती है, तो भी घुटन होती है, तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स हमारे घर में हवा होना, खिड़की होना और वायु का आदान प्रदान होना। अगर नहीं हो पा रहा, आप अपने घर में कपूर लगाना शुरू कीजिए, उसके ऊपर 2 इलायची, 2 लौंग ज़रूर रखिए, साथ में यूज़ करिए एसेंशियल ऑयल्स, हो सके तो कहीं कपूर जलाने के साथ साथ आजकल रेडीमेड गूगल भी आ रहा है, जिससे कि आपके घर में नज़र दोष भी दूर होगा, साथ साथ आपका ये ऑरा भी पॉजिटिव करेगा। नंबर 4 है अग्नि। आप रिलेट कीजिए इसको फायर को, एलिमेंट से, जो हम घर में धूप बत्ती हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि डेली करिए, तो हो सके तो दिन में एक बार, हो सके तो सुबह शाम दीपक जगाइए, कहीं पे आरती कीजिए, हो सके तो महीने में एक बार एटलीस्ट यज्ञ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके घर में वो ऑरा क्रिएट करेगा जो आपके लिए पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकता है। नंबर 5, नीर। नीर मतलब पानी। हमारी 75% ऑफ बॉडी में पानी का इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आपने देखा होगा, हम पानी पीते भी बहुत हैं, क्योंकि ये एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए भी, हमारी लाइफ के लिए। सबसे पहले एज ए वास्तु कंसल्टेंट बात करूँगी, आपके घर में अगर कोई भी टैप में लीकेज है, पाइप में लीकेज है, इसको रोकिए। कहीं पे भी पानी का बहना, इसका मतलब आपके घर का पैसा बहना, प्रॉस्पेरिटी बहना, और कहीं घर में बरकत भी नहीं होगी। तो एज ए रेमेडी इसको फॉलो कीजिए कि आज और अभी अपने घर के सारे टैप्स को चेक करिए। बहुत सारे घर में जब मैं विजिट करती हूँ तो टप 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 हो रही होती है, विच इज़ नॉट गुड। वो आपके घर में कहीं पे भी पैसे को रोकने नहीं देगी। उसके साथ साथ आपका जो भी ड्राइंग रूम होगा, वहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज़ को यूज़ कीजिए, स्पेशली इन नॉर्थ, क्योंकि वास्तु के हिसाब से पानी की डायरेक्शन होती है नॉर्थ, और आपको उसी डायरेक्शन में एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। तो क्या कर सकते हैं? सिंपल कोई फाउंटेन लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फाउंटेन भी नहीं लगा सकते, तो कहीं कोई वाटर बॉडी की पिक्चर लगाइए। हो सके तो अगर आपके घर में कर्जा बहुत है, बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेजेस आते हैं, आप व्यूअर्स के मैसेजेस आते हैं कि हमारे सिर पे लोन्स हैं, कोविड की वजह से चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं, तो सिंपल सी रेमेडी पानी से और रिलेट करके आप एक लगाइए। पोस्टर जो मैं यहाँ शेयर भी कर रही हूँ,
बाबा अमृतसर का है, जिसमें कि पानी आगे दिख रहा है, तो वो स्पेशली होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, आप उसको नॉर्थ में लगाइए, ईस्ट में लगाइए, और या फिर नॉर्थ ईस्ट में। देखिए आपका घर का लोन भी धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। साथ में अपने ड्राइंग रूम में कुछ वाटर बॉडीज, कांच का बाउल रख सकते हैं, उसमें कुछ फ्रेग्रेंस फ्लावर्स रख सकते हैं। इस तरीके से अपनी डायरेक्शंस को इन्हांस कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी की डायरेक्शंस और आपके घर की डायरेक्शंस मैच होनी बहुत ज़रूरी हैं। तभी आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, सक्सेस ला सकते हैं, और अनलॉक कर सकते हैं अपनी बहुत सारी चीज़ों को। आपको थैंक यू सुनना बहुत पसंद है, सेम ऐसे ही आपको भी इन 5 एलिमेंट्स को डेली थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, जितने भी सुख सुविधाएं आपकी लाइफ में हैं उनको थैंक यू कीजिए। जो पानी आप पी रहे हैं उसको थैंक यू कीजिए। जो लाइफ में आप छोटी छोटी चीज़ों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपके घर में पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, जो भी सुख सुविधाएं हैं आप यूज़ कर रहे हैं, उन सबको एक बार ग्रैटिट्यूड थैंक यू डेली ज़रूर बोलिए, ताकि वो यूनिवर्सल पावर्स आपके अंदर से इन्हांस हो सके। आई होप आपको ये वैल्यूएबल वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपने नीचे कमेंट्स दीजिए और कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।